बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कय्यम माहर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। एशिया कप 2023 कहां होने जा रहा है, कब होगा? 6 शाह का बड़ा ऐलान आ चुका है। क्या पाकिस्तान में ही होगा, किसी और कंट्री में होगा? इंडिया की टीम का तो आपको पता है, उसने तो आना नहीं, तो बाकी टीमें भी पाकिस्तान में आएंगी। 6 शाह ने ऐलान कर दिया, वह सभी आपको बताऊंगा। शेड्यूल कब आ रहा है ये भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जबकि उसके साथ साथ दूसरी बड़ी टॉप क्रिकेट न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया जो क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहा था, एक ऐसी क्रिकेट लीग जो IPL को भी पीछे छोड़ सकती थी, जो PSL, IPL, बिग बैश लीग, CPL, उसके अलावा बांग्लादेश की लीग, सभी लीगों को पीछे छोड़ सकती थी, वो अब उसके दरमियान आ चुकी है। BCCI दरमियान में आ चुकी है। अब क्या बनेगा उस लीग का, सऊदीया का लीग का क्या बनेगा, अब क्या फैसला होने जा रहा है, सभी पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले इसी लीग के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर एशिया कप की तरफ आते हैं। दरअसल सऊदी क्रिकेट अरकान जो है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल जेरे गर्दश हैं। कभी BCCI का टूर कर रहे हैं, कभी IPL के ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद है, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो वो राबिते में हमने आपको कल खबर ब्रेक करके दी थी कि सऊदी अरेबिया एक बड़ी क्रिकेट लीग शुरू करने जा रहा है, जो कि दुनिया क्रिकेट की अमीर तीन रिचेस्ट लीग होगी। ये IPL, PSL सभी लीगों को पीछे छोड़ देगी। इसीलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जेशा BCCI के, उनसे भी सऊदी अरेबिया के जो आप कह सकते हैं क्रिकेट लीग के ओनर वगैरह वो मिले थे, और उनको कहा था कि BCCI को कहा था अपने प्लेयर को रिलीज करें, हमारी लीग में खेलने का मौका दें। आपको पता है इंडियन प्लेयर्स पर पाबंदी है, वो सिर्फ IPL के अलावा कोई लीग नहीं खेल सकते। लेकिन इंडियन क्रिकेट के चेयरमैन जो BCCI के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अब सवाल ये पैदा, हम तो फैंस जो कि बाबर कोहली को एक टीम में खेलते हुए देखना चाहते थे, वो तो हमेशा की तरह आफ्रो एशिया कप की तरह चकनाचूर हो चुका है, लेकिन अब मनाने की कोशिशें तो जारी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सऊदी अरेबिया के क्रिकेट अरकान, क्या अगर एशिया कप के लिए सऊदी अरेबिया क्रिकेट अरकान जो लीग अपनी इंडियन क्रिकेट अगर ना आए, क्या उस तरह की पॉपुलैरिटी मिल सकती है? ये सवाल, इसका आंसर है नो। उस तरह की पॉपुलैरिटी मिलेगी, क्योंकि अगर इंडिया की टीम ना खेले, इंडिया के प्लेयर्स ना आए, पाकिस्तान प्लेयर चलो चले जाएं, उसके अलावा दूसरे कंट्रीज के भी आ जाएं, तो वो एक बड़ी रिचेस्ट लीग अगर कहें तो वो बहुत कम चांसेस है, क्योंकि IPL ही बड़ा रहेगा। वो इसलिए क्योंकि IPL की आबादी बहुत ज्यादा है। जब इंडियन प्लेयर्स उधर खेलने जाएंगे नहीं, तो फिर व्यूअरशिप इंडिया से नहीं आएगी। इट मीन्स कि आपने इतना बड़ा 70-80% व्यूअरशिप वाला हिस्सा आप मिस कर रहे हैं, तो फिर IPL को बीट करना मुश्किल हो जाएगा। पैसे जितने मर्जी इन्वेस्ट कर दें, IPL से ज्यादा पैसे प्लेयर्स को दे दें, लेकिन व्यूअरशिप आप इंडिया से उस लेवल की ले नहीं पाएंगे। अगर विराट कोहली, MS धोनी वगैरह एंड रोहित ट्रीटमेंट शर्मा, ये सभी प्लेयर्स खेलेंगे नहीं। अगर पाकिस्तान इंडिया के सभी प्लेयर्स खेल गए, तो फिर तो वो डेफिनेटली IPL को भी कंपीट कर देगी, PSL को कंपीट कर देगी। अब BCCI को वो मनाने की कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरकान ने काफी ज्यादा आजकल टूर कर रहे हैं इंडिया के, कभी IPL की सेरेमनी होती है उधर पहुंच जाते हैं, और भी जो भी इवेंट होता है सऊदी अरेबिया वाले उधर पहुंच जाते हैं, तो वो उनकी कोशिशें तो जा रही हैं। आप देखते हैं क्या सिला निकलता है, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि वो BCCI को मना पाए, क्योंकि BCCI उनकी एक अनाई बहुत बड़ी है। अगली खबर पर जाते हैं, जो कि आ रही है कि एशिया कप के हवाले से। एशिया कप का इनकाद काफ़ी ज़्यादा जेर बहस है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मैं हतमी आपको बात बता लूँ, जेशा आए हैं, जेशा का कहना है कि भाई इस वक्त जो है हम अभी तक फैसला ही नहीं कर पाए, हमने सभी बोर्ड्स को जवाब का वेट कर रहे हैं, सभी बोर्ड्स का कि वो क्या चाहते हैं, उनके उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे यार बात की समझ नहीं आती, हम होस्ट हैं, फैसला हम कर नहीं सकते, ये रमीज राजा साहब क्या कर गए हैं? मतलब कि जब इनको मेज़बानी मिली थी उधर, ये पॉइंट क्यों रखा था कि इसका फैसला इंडिया करेगा? ये क्या बात हुई यार, जिसके पास होस्टिंग राइट होते हैं फैसला भी उसका होता है। लेकिन रमीज राजा साहब से पूछना पड़ेगा, अगर वाकई ही बात है जो नजम शेट्टी कह रहे हैं, रमीज राजा साहब जब होस्टिंग हमें मिली थी उस वक्त ये साइन करके आए थे, तो फिर रमीज राजा को खड़ा करें, उनसे पूछें ये किस तरह का तुक आपने किया। अगर वाकई ही ये बात है, अगर रमीज राजा ने ये साइन किए हैं इधर के होस्टिंग का जो फैसला है, जो कहां इनका दोनों वो इंडिया फैसला करेगा, तो फिर जाकर पूछिए, रमीज राजा से पूछिए। अगर ऐसी बात नहीं, फिर नजम शेट्टी को पकड़ें, तुम ऐसी क्यों बातें फैला रहे हैं आप? इन दोनों में से कोई एक तो झूठा है, दोनों तो सच्चे हो नहीं सकते, क्योंकि वो कहते हैं रमीज राजा ने साइन किए हैं। रमीज राजा से पूछे भाई साइन किए हैं तो बताएं, अगर तो उन्होंने किए हैं, रमीज राजा को पूछे क्यों साइन किए हैं, ये मतलब कि होस्टिंग राइट हमें मिले हैं, इंडिया क्यों फैसला करेगा? अगर तो साइन किया, फिर इंडिया जो फैसला करे वो हमें मंजूर करना चाहिए, क्योंकि हमने अपने जुबान दी है
आपने जुबान दी, अपनी जुबान की पासदारी करें। अगर रमीज राजा ने साइन किया तो फिर तो नजम ठेठी ठीक है, रमीज राजा को पकड़ना चाहिए, भाई आप कैसे ऐसे साइन कर सकते हैं। अगर रमीज राजा ने साइन नहीं किए, जो कि नजम ठेठी हवा में बातें फेंक रहे हैं, फिर नजम ठेठी को पकड़ें। ये दोनों अब हमारे चेयरमैन यार आपस में इनका एक बयान डलता नहीं, ये क्या कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह तो यही कर रहे हैं, जेशा को हम क्या ही कहें। तो जेशा का बहरहाल फैसला ये है कि भाई जान अभी तक कोई हमने कोई फैसला बड़ा नहीं किया, हम दूसरे बोर्ड्स का वेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता चल गया ये एशिया कप मुश्किल ही है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एशिया कप बहुत मुश्किल है कि इनकाद इसका पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में ना हुआ तो आपको पता नहीं होना, ये जेशा जो नजम शेट्टी का क्लियर स्टाम्प्स है। तो अब सवाल ये पैदा कि एशिया कप होगा कहाँ भाई। अगर आपको बताते चलें कि एशिया कप 18 से 19 मिलियन डॉलर 2022 में जो हुआ था, 18 से 19 मिलियन डॉलर इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो पिछले कई एशिया कप से काफ़ी ज़्यादा था, डबल से भी ज़्यादा। इट मींस किस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया दो दफा पिछले एशिया कप में टकराई थी, ये है मेन वजह। तो अब जब पाकिस्तान में मैच नहीं हुआ, पाकिस्तान ने बाइकॉट कर देना, पाकिस्तान ने बगैर एशिया कप करवा लें, पहली बात तो आप करवा नहीं सकते, अगर करवा भी लिया तो उतना रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं सकते। जैसा कि नजम शेट्टी ने बताया, पाकिस्तान इंडिया वाला जो मैच होता है 80% रेवेन्यू इधर से आता है, तो 20% रेवेन्यू का आप क्या करेंगे, आपके तो अखराजात ही पूरे नहीं होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर दूसरी टीमें भी पाकिस्तान में नहीं आती तो इट मींस एशिया कप नहीं होगा, यही इधर से अंदाजा लगा लें। नजम शेट्टी, बाबर आजम, दूसरे सभी प्लेयर्स जब भी बात करते हैं वो कहते हैं वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास सिर्फ 8 मैचेस हैं, 5 न्यूजीलैंड वाले, 3 अफगानिस्तान वाले, उसके अलावा ये एशिया कप वाले भूल ही जाते हैं। इट मींस कि इनका एक पहले ही माइंडसेट बना हुआ है कि भाई ऐसा नहीं होगा। तो हम तो बेस्ट की उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें अपने उसका ये मेरे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।